लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दोपहर 1:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज और जस्टिस मंदू खेल बेंच का हिस्सा होंगे। हमजा शहबाज का इंतखाब कानून और आइन के खिलाफ हुआ, दोबारा गिनती से मसला हल नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमजा को मुसल्लत किया गया, सूबे में इलेक्शन पुरम, साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की फुटेज और तस्वीर पेश कर दी हैं। एक माह में 4 बार पेट्रोल धमाके, 99 रुपये बढ़ा दिए गए। शहबाज हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 14 रुपये 85 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 248 रुपये 74 पैसे हो गई। डीजल में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा। मिफ्ता इस्माइल बेहिसी चौथे इजाफे को भी इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कप्तान का कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पर नाकाबले बर्दाश्त बोझ डाल रही है, आवाम कल हमारे एहतजाज में शामिल हों। मुल्की तारीख में एलएनजी का बेहतरीन मुआहदा पीटीआई के दौर में हुआ। अपनी नाअहली छुपाने के लिए हर बात पर इमरान खान का नाम लिया जाता है। हम्माद अजहर कहते हैं हुकूमत की मईशत तवानाई और मनसूबाबंदी सिफर है, ये अपनी नाअहली से मुतालिक सच नहीं बताते। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिल गई, इंतजामिया ने इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, जलसा करना आपका हक है। दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस, तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने से मुतालिक दरख्वास्त, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत का कहना है फैसला आज ही सुनाया जाएगा। मानसून की आमद, कराची में खौफनाक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, 38 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सिस्टम कल से फाल हो जाएगा। इंतजामिया की नाअहली, नालों की मुकम्मल सफाई ना हो सकी, मलबा उठाया ना जा सका। 3 जुलाई को अंदरूने सिंध भी तेज बारिश का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।